अशोक जी एक बात बताइए, आज देश को 71 साल हो गए हैं आज़ाद हुए हुए, और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी अनुसूचित जाति जनजाति मूल निवासियों के लिए बहुत सारे आरक्षण बनाए, संविधान बनाया, सब कुछ उनका करा, लेकिन आज जो एक्रोसिटी एक्ट है उससे बहुजन समाज के लोग कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और क्या है उसके बेनिफिट्स, वो भी बताएँ। देखिए, एक बात तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो उनमें जो आर्टिकल 17 में बाबा साहब ने एक लाइन लिखी थी कि आज से इस देश से अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी ख़त्म की जाती है, मगर उसके ऊपर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जो भी 1950 के बाद सरकारें बनी उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, जब 1990 में जब 89 में अपना विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार आई, जनता दल की सरकार आई, तब उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट बनाया और जिसमें संशोधन हुआ 2016 में, उसको और मजबूत किया गया, तो उसको किसी सरकार ने नहीं बनाया। बीजेपी, कांग्रेस, दुनिया भर के ये हल्ला मचाते रहे लेकिन किसी ने उसकी मांग नहीं की, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बनाया, हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। जनता दल सरकार ने बनाया। अब एट्रोसिटी एक्ट को लागू करने का एक बहुत बड़ी चुनौती है, अभी तक लागू नहीं हो रहा है और उल्टा उसको ख़त्म करने के लिए अभियान चल रहे हैं। अभी पीछे ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, अगर 2 अप्रैल को अगर सारे अनुसूचित जाति जनजाति अगर सड़कों पर नहीं निकलते, 2 अप्रैल को भारत बंद करके अगर अपना आक्रोश नहीं दिखाते तो शायद ये दोबारा से रिइंस्टेट नहीं हो पाता, सरकारों ने प्रेशर में किया। तो इसलिए ये तो उसको बचाने की भी चुनौती है और साथ में उसको लागू करवाने की भी चुनौती है। जब तक वो लागू नहीं होगा, जैसे शाहपुर जट में अभी घटना हुई, रिसेंट घटना, अगर तुरंत SC ST एक्ट में अगर वो धाराओं लग करके अगर वो केस दर्ज हो जाता तो उसमें केवल उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उस जो उसमें एक्ट में प्रावधान है कि जो पीड़ित परिवार है उसको फाइनेंशियल मदद भी करनी है, प्लस उनको पुनर्वास करना है कि उस इलाके से निकाल करके उस इलाके से दूर इलाके में उनको पुनर्वासित घर दे करके सुरक्षित जगह रखा जाए और उनको जो गवाह हैं उनको सुरक्षा दी जाए, उनका खर्चा दिया जाए, प्लस उनको कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उनको वकील और दूसरे सरकारी खर्चे पे मुहैया करवाए जाएँ। और जबकि उल्टा हो रहा यह है कि उसी विक्टिम परिवार को और प्रेशर दिया जा रहा है कि समझौता करके उसको ख़त्म करें। तो जो हमारे सामने दोहरी चुनौती है कि एक तो ये चुनौती है कि भाई हमें इसको लागू करवाना है और साथ में बचाना है, ये हमारी चुनौती है। और 1950 के बाद हमें कुछ मिला नहीं, और अगर मिला होता तो ये जितनी भी लड़ाई, जो कुछ थोड़ा बहुत मिला भी है तो जो बहुजन से लड़े काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी ने जो मूवमेंट चलाया उसकी बदौलत कुछ थोड़ा बहुत मिला, क्योंकि जो पूरे देश में जो बहुजनों को उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने नारा दिया कि आप आओ और सत्ता की तरफ चलो, तुम्हारी सत्ता है, बाबा साहब को बताया, संविधान को बताया, और जब बहुजन खड़ा हुआ, एक मूवमेंट हुआ पूरे देश में बहुजनों को खड़ा किया, अनुसूचित जाति जनजाति को खड़ा हुआ, 85% की उन्होंने नारा दे दिया, तब जा करके थोड़ा बहुत इस देश में कुछ मिला। लेकिन वो मूवमेंट भी आज एक कोने में जाकर ख़त्म हो गया। आज उस मूवमेंट को, उन कांशीराम जी के मूवमेंट को हमें दोबारा से उसको खड़ा करना है, वो भी हमारा संघर्ष है, क्योंकि बुद्ध को इस देश के अंदर बताया बाबा साहब ने कि बुद्ध कौन है, बुद्ध के बारे में बताया उनके, उनको ला करके, अगर बाबा साहब मूवमेंट नहीं चलाते तो इस देश में बुद्ध को भी कोई लोग नहीं जान पाते, और बाबा साहब को जनवाया मान्यवर कांशीराम जी ने, और अब कांशीराम जी को जनवाएंगे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस। हमारी टीम पूरे देश में काम कर रही है, पूरे देश के बहुजनों को इकट्ठा करना, अनुसूचित जनजाति को इकट्ठा करना है और बाबा साहब के उस सपने को आगे लेके जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे मुझसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर।